हम 100 सीट पे जो है इलेक्शन लड़ेंगे। मायावती कह रही है कि हम उत्तराखंड और यूपी में अकेले लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से एनडीए भी जो लड़ेगी उसमें भी आप कुछ डिमांड रखते होंगे अपने लिए सीट्स का कुछ? हाँ, तो मुझे लगता है कि वह मायावती वहाँ अपने बलबूते पर जो चुनाव है, चुनाव तो लड़ने वाली हो, हमेशा अपने बलबूते और इसी चुनाव लड़ती है, विशेषकर वो किसी के साथ अलायंस नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि मायावती का जनाधार अभी एकदम लूज होता जा रहा है। मायावती पर लोगों का जितना विश्वास था वो आज उतना विश्वास नहीं है, और बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता आरपीआई में आ रहे हैं। तो अभी हमने माननीय जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मैंने आधा घंटा तक बात की, और आने वाला उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, ये 5 राज्यों के चुनाव जो फरवरी 2022 में आ रहे हैं, तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में तो एनडीए का एक पार्टनर ही है, ऑल इंडिया लेवल पर एनडीए का पार्टनर ही है। तो रिपब्लिकन पार्टी को उत्तर प्रदेश में 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, और बाकी के राज्यों में एक दो सीट अगर मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार हर राज्य में है। और जेपी नड्डा जी ने बताया कि जरूर आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, और हमने उनको ये बताया है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने से बीजेपी का फायदा होगा, दलितों का वोट अगर पूरा मायावती अपना हक जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दलित वोट पर रिपब्लिकन पार्टी का भी अधिकार है, और इसीलिए माननीय जेपी नड्डा जी ने बताया कि आपके प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे, और एक 8-10 सीटें उत्तर प्रदेश में अगर आरपीआई को मिलती है तो मुझे लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को भी होगा और आरपीआई को भी होगा। ऑल इंडिया एमआईएम अगर 100 सीटें लड़ रहा है तो मेरा तो निवेदन यह है कि उन्होंने 200 के ऊपर सीटें लड़नी चाहिए, और मतलब एमआईएम वहां लड़ेगा तो उसमें बीजेपी का एनडीए का बिल्कुल नुकसान नहीं है, और वो जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहते वो लड़े। हाँ, फेब्रुवारी 2022 मध्ये 5 राज्याच्या निवडणुका येत आहेत, आणि त्या 5 राज्याच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला सोबत घ्या अशा पद्धतीची विनंती करण्यासाठी 3-4 दिवसापूर्वी आम्ही जेपी नड्डा, माननीय जेपी नड्डा यांना भेटलो, जे बीजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांना एक पत्र आपण दिलेलं आहे, आणि त्या पत्रामध्ये 5 राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला काही जागा मिळाल्या पाहिजेत, आणि त्याच्यामध्ये उत्तर प्रदेश हे अत्यंत महत्वाचं राज्य आहे, देशामध्ये सर्वात मोठं राज्य आहे, 403 जागा असणारं हे महत्वाचं राज्य आहे, आणि त्या राज्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा जनाधार पूर्वी राहिलेला आहे। चरण सिंगचं ज्यावेळेला सरकार होतं त्यावेळेला आमचे 19 MLA हाती सिंबॉलवरती ते निवडून आले होते, त्यावेळेला 4 मंत्री चरण सिंग यांच्या सरकारमध्ये होते, रिपब्लिकन पक्ष त्यावेळेला पंजाबमध्ये हरियाणामध्ये सत्तेमध्ये होता, दिल्लीचा जो मेयर आहे अब्बास मलिक हे आरपीआयच्या हाती सिंबॉलवर निवडून आलेले मेयर झालेले होते, त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा जनाधार मोठा होता। रिपब्लिकन पक्षाचा जो जनाधार आहे तो मायावतीने आपल्याकडे खेचलेला आहे, त्यामुळं आता आमचा प्रयत्न असा आहे की रिपब्लिकन पक्षाच्या होडबँकवर संपूर्ण अधिकार जमवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मायावतींना या निवडणुकीमध्ये धक्का देण्याचं रिपब्लिकन पक्षानं ठरवलेलं आहे, आणि रिपब्लिकन पक्षाला यूपीमध्ये जर बीजेपीने 8-10 जागा त्या दिल्या तर दलित वोटबँक जी आहे ती दलित वोटबँक आपल्याकडे खेचण्यासाठी आणि बीजेपीला त्याचा फायदा होण्यासाठी आरपीआयला सोबत ठेवणं हे त्यांना चांगलं फायद्याच होणार आहे, त्यामुळे आपल्या प्रस्तावावर विचार करू असं माननीय जेपी नड्डा यांनी सांगितलेलं आहे। हाँ, तो जहाँ तक मराठा आरक्षण का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में जो रीट पिटीशन था महाराष्ट्र सरकार का, तो महाराष्ट्र सरकार ने तो मतलब ये रिजर्वेशन दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 50% के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, और मराठा समाज अमीर है, मराठा समाज जमींदार है, मराठा समाज सत्ता में हमेशा रहा है, तो मराठा समाज को क्या जरूरी आरक्षण की, इसी तरह का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बताई है तो उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में राज्य सरकार को सफलता मिली नहीं है,
और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह बताया है कि अगर मुझे सत्ता दे दीजिए मैं कुछ दिनों में ही मराठा समाज को आरक्षण देकर मैं रहूंगा, तो जहां तक मराठा समाज का सवाल है तो मेरे पार्टी ने हमेशा मतलब मराठा समाज को आरक्षण देने की बात की है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मराठा समाज के आरक्षण के फेवर में रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा है कि महाराष्ट्र के मराठा, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के जाट है, राजपूत है, ठाकुर है, ऐसा जो क्षत्रिय समाज है तो क्षत्रिय समाज को अलग से 10-12% आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरी पार्टी की मांग है और उस पर जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी विचार करेगी। तो खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए जो ट्रैक बनाया है तो वो ट्रैक पार्किंग के लिए नहीं है, वो खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए है। तो अगर कोई वीआईपी का पार्किंग हो या नॉन वीआईपी का पार्किंग हो, उसी जगह पर पार्किंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब खिलाड़ी रनिंग करते हैं ऐसे वक्त तो वो ट्रैक पूरा खाली होना चाहिए और पुलिस ने उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और राज्य सरकार ने भी खिलाड़ियों को वहाँ दौड़ करने के लिए जो ट्रैक बनाया है वो उनके लिए खुला रखना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है, हमारी सूचना है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24